भाइयों और बहनों, यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं, और कांग्रेस के शहजादे के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले हैं। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जत घर, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। यूपी की करीब 90 लाख बेटियों को मुद्रा के ऋण दिए गए। सुकन्या योजना के तहत 17 लाख बैंक खाते खुले, ये भी बेटियों की समृद्धि और सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। मुस्लिम बहनों को महरम के बिना हज यात्रा का विश्वास मिला, ये भी बेटी का सम्मान है। 3 तलाक के कुचक्र से हमारी बेटियों को मुक्ति देने का संकल्प भी बेटियों का सम्मान बचाने, उनका जीवन सुरक्षित करने का प्रयास है। मैं अपनी मुस्लिम बेटियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, उनके राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा। वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। वे 3 तलाक के खिलाफ कानून को भी अनुमति नहीं देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो अध्यादेश लाए उसे कभी पारित न किया जाए। साथियों, बोटी बोटी करने की सोचने वाले बेटियों की नहीं सोच सकते, क्योंकि जिस पार्टी से वो है उस पार्टी की नीयत में ही खोट है। आप जानते हैं, कांग्रेस ने जो 2-1 दिन पहले अपना ढकोसला पत्र जारी किया है, उसमें एक बहुत गंभीर बात कही है। गंभीर इसलिए कि वो सीधे सीधे देश की बेटियों बहुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में जो लिखा है उसका मतलब ये निकलता है कि बेटियों के साथ राक्षसी अपराध करने वालों को भी अब जेल से जमानत मिल जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे राक्षसों को जेल से बेल मिलना चाहिए क्या? जमानत मिलनी चाहिए क्या? जो दहेज के कारण बहुओं को जिंदा जला देते हैं, क्या ऐसे राक्षसों को जमानत मिलनी चाहिए क्या? ऐसी सोच वालों को देश माफ करेगा क्या? यूपी के लोग माफ करेंगे क्या? आप लोग माफ करेंगे क्या?